जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिख कर, रिकॉर्ड कर कर या फिर टाइप कर कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। संगत जी, संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से गुरु जी की ब्लेसिंग भरे सत्संग लेकर आती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाए। संगत जी, संगत जी आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है, हम उन्हीं की जुबानी उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत, संगत जी सबको जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में देर हो गई। मैं एक दिन और मैं ट्राई की थी, फिर दोबारा, फिर अभी नवरात्रे चल रहे थे, गुरु जी ने कहा कि माता के साथ मैं भी तेरे मंदिर में बैठा हूँ, इधर तुझे ब्लेस मुझे कर रहे हैं। बहुत 777 नंबर से मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पिताजी को बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, उनको ऑपरेशन के लिए बोला, फिर हमने कहा कि नहीं अभी मत करवाइए, एज के हिसाब से कुछ और दिक्कत हो जाएगी तो कौन संभालेगा। तो फिर गुरुजी पे भरोसा था हमको कि गुरुजी को पता है कि गुरुजी हमको क्या दिक्कत है, हमें तो हमने तो बोला भी नहीं, पर हमारा हमने सरेंडर कर दिया गुरुजी पे। तो कुछ दिनों में फिर बोले कि अभी डॉक्टर बोला कि नहीं करना है, पड़ेगा दवाई खाओ। तो शुक्राना गुरुजी। और माँ भी आप मैसेज देखती हैं तो मुझे बता रही थी कि वो फॉलो किए हैं काफ़ी कुछ, तो उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, और चाय भी पिला रही हैं। और सत्संग करने के लिए बोले, मैसेज आया था तो हमने कहा कि कर लेना सत्संग, ज़्यादा किसी को नहीं बुला पाओगी तो अपने आप घर में कर लेना। तो अब वो कर किया होगा उन्होंने, तो हमने कहा थे हम शुक्राना कर देंगे आपकी तरफ से, तो मम्मी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, और पिताजी को अच्छी सेहत बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। माँ बाप अपने हाथ पैर से ही चलते फिरते रहे हैं आखिरी समय तक, और उनको देखना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत ब्लेसिंग वाले मैसेज आते हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत ब्लैक मैजिक काट दूर किया है, मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है, सेहत को भी बहुत प्रोटेक्ट किया है मेरी। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अब गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, और बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसको कहना मंत्र जाप करें अमृत वेले, पर गुरुजी वो नहीं करेगा मेरे। मैं बोलूँगी पर वो एकदम से जल्दी से फॉलो दूसरे गुरु को नहीं कर पाएगा ऐसा लगता है, पर आपकी कृपा होगी तो आप करवा सकते हैं। मैंने बहुत से मैसेज सुने ऐसे, आज ही सुना था एक आंटी का, उन्होंने कहा था कि स्वरूप कहीं जाने की बात की थी कि मैंने गुरुजी का स्वरूप लाना है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मिस्टर को गुरुजी ने कहा था तुम अपने पति से बोल देना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो नहीं मानेंगे, पर गुरुजी ने बोला तो उन्होंने बोल दिया, मैसेज में बोला था। तो उनके पति दे बोले कि ठीक है ले आओ, जाओ स्वरूप लगा लो, फ्रेम करवा लो ऐसे अच्छा से। तो उन्होंने बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति तुरंत ही मान गए, तो ऐसे ही मेरा बेटा भी मान जाए। अभी तो वो दिल्ली में ही है और मेरे से बात नहीं हो पा रही गुरुजी उसकी, आप ही जानेंगे वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है, आप भी उसकी रक्षा कीजिए। और वो मेरी बात सुनता तो बड़े मंदिर होकर आता वहाँ से, फिर यहाँ आ जाएगा तो फिर MP में जबल इधर सिंगरौली, फिर कहाँ जल्दी जाएगा दिल्ली।
तो आप कृपा कीजिए कि वो जाकर ही आए बड़े मंदिर। मैं एक बार उसको बोलूँगी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो सिस्टर डालती हैं हमारा मैसेज वो, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय।